सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और काफ़ी टाइम से हम मॉक देते जा रहे हैं। 6 मॉक हमने पोस्ट कर दिए अपने चैनल पे और ये 7वां मॉक है। इसके अलावा 2 लाइव मॉक भी हम दे चुके हैं। एक दो बार अच्छे नंबर भी आए हैं और काफ़ी बार गलत नंबर भी आए हैं। मैं अगर एनालिसिस करूँ अपनी पूरी परफॉर्मेंस का इस बीच में, तो ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी स्पीड पर इतना काम नहीं किया है। अब जैसे एडमिट कार्ड आ चुका है मेरा जयपुर में 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को 3:30 की शिफ्ट में एग्ज़ाम है। मैं अब अपनी स्पीड पे काम करूँगा। एक्यूरेसी में थोड़ा सा मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, इस वजह से मेरा स्पीड इतनी नहीं बन पाती, लेकिन अब अपन स्पीड पे ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि स्पीड और अपन अच्छी कर सकें, जिससे नंबर बढ़ाएँ और 60 नंबर तक लाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि इस बार हमारा ध्यान ना भटके और स्पीड इंक्रीज हो। सो लेट्स स्टार्ट। अंडर द वेदर ईडियम फ्रेज गिवन विद 3 द मे और मे नॉट बी करेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्टली। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। दे गॉट इन अंडर द वेदर बिफोर द एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज्ड। श्रेया टुक अ लीव टुडे बिकॉज शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। I'm feeling a bit under the weather. They got in under the weather before first and third. The walls of the एक सेकेंड फर्स्ट वाला था ना नहीं The wall of Tughlaqabad are there decaying memorial, are there empires. Long forgotten to view them is not a visual experience but something more than that. The long said saga of drum life, virtuous life, whose radiant, pensive, reflective melody sometimes strikes solemn melody. Indelible life, monotonous life, whose reflective memory is treasured. हाँ ठीक है। द मिडिल स्टोन एज कंक्लूडेड अ पीरियड ऑफ ड्रामेटिक चेंज स्टार्टेड आ सकता है कमेंस द चेंज अमॉन्ग अर्ली ह्यूमंस इन साउथ अफ्रीकन क्लाइमेट चेंज हैज बीन कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी ड्राइवर फॉर द अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल इनोवेशन ऑफ द एनालॉजिकल इमरजेंस अपीयरेंस और कल्मिनेशन। तो अराइवल हो सकता है अवर्टेड एज अवर्टेड अ पीरियड हैज़ बीन सजेस्टेड एज अ प्राइमरी। तो इसमें पता नहीं है तो इसको क्लियर रिस्पॉन्स करके आगे बढ़ते हैं। बहुत थोड़ा सा अच्छा है ये क्वेश्चन। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ विशाखापट्टनम नॉट ओनली एक्सेल्स इन हेरिटेज नॉट ओनली थ्राइव्स अबाउंड्स इन हेरिटेज बट ऑल्सो जियो हेरिटेज साइट्स अस्टाउंडिंगली बोथ आर बींग रिटेन्ड कंजर्व्ड आएगा थ्राइव्स डिलाइटफुली एंड कंजर्व्ड। 7 क्वेश्चन का सेट है और ये है बहुत बड़ा पैराग्राफ है, सो इसको बाद में करेंगे। Sleep deprivation is a condition in which an individual has sufficient sleep. Lacks. तो ठीक है ये हो गया। The recently opened, the newly opened, newly आ सकता है, the largely, the recent opened, the lately opened नहीं। The newly opened textile shop has a huge collection of t-shirt and shirts. He was awake all night and completed the assignment and prepares and fulfilled and he was completed all night completed the task given to him the assignment given to him he was woke nahi aayega awake hi aayega. Vikas stepped on a stone while running and unknowingly sprained his ankle to AD aayega theek hai. My travel from one city to another owing to his wide business
हैड टू गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी फ्रॉम वन ट्रैवल, यार इसका क्या आएगा, माई ट्रैवल हैड टू फादर, नहीं माई फादर हैड टू ट्रैवल आएगा ना, ए बी बहुत ईजी था ये तो। डी भी देख लेते हैं, अनदर बिजनेस टू हिज वाइड ओइंग कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, अनदर बिजनेस टू हिज वाइड ओइंग कॉन्टैक्ट्स, डी ई लग रहा है मुझे। छोड़ इसको भी, बोलो देयर इज अ न्यू स्टार्टेड सेंटर कोचिंग, देयर इज अ न्यू कोचिंग सेंटर, तो बी सी आएगा, बी सी डी ई। वी कॉल्ड आर कार सर्विस डीलर एज आर कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड, नो चेंज रिक्वायर्ड। रेस्टोरेंट वेंट टू, वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, तो ए भी आएगा, ए बी का यहीं आ रहा है, सी डी भी आएगा फिर तो। सिंस आई नेवर वर्कड विद डेफ पीपल आई फाउंड इट रादर डिफिकल्ट टू गेट थ्रू बाई देम, गेट थ्रू एट देम, गेट थ्रू अपॉन देम, नहीं गेट थ्रू देम, इसमें थर्ड आना चाहिए वैसे तो, लेकिन अभी पता नहीं है तो इसको एक्यूरेसी की वजह से अपन नहीं करेंगे। द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टनर्ड यूनाइटेड विद ईच अदर, कॉम्बिनेशन अगेंस्ट ईच अदर टू विन द क्विज फॉर आर कॉलेज, तो यूनाइटेड विद ईच अदर, यूनाइटेड विद ईच अदर, पार्टनर्ड एट ईच अदर नहीं आएगा, तो यूनाइटेड एट और कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेटिव कॉम्बिनेशन अगेंस्ट ईच अदर टू विन द क्विज फॉर आर कॉलेज, कॉलेज के लिए जीतना तो साथ में ही जीतेंगे, तो ओनली सेकेंड। दिस इज सो पैटी एन इशू टू फाइट फॉर, डोंट गिव इट मच, डोंट मल ओवर इट, डोंट मल ओवर इट, डोंट बी सो रूड टू हर, दिस इज सो पैटी। मुझे इसमें फर्स्ट एंड थर्ड लग रहा है। दिस इज सो पैटी एन इशू, दिस इज सो पैटी एन इशू टू फाइट फॉर, डोंट बी सो रूड टू हर, पर ये रूड वाला आएगा नहीं, तो ओनली वन नहीं आ सकता, तो वन के साथ कुछ तो आएगा, वन एंड टू, डोंट मल ओवर इट। आई हैव अ हैबिट ऑफ लूजिंग माई फोन, एक सेकेंड, यानी फोन आ रहा है बार बार। I have a habit of losing my phone, so this time I bought a second hand चीप फोन ऑनलाइन, तो चीप आना चाहिए ना, तो इसकी वजह से तो फर्स्ट ही आना चाहिए। आवर कंपनी इज वर्किंग टू डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अंडर वाटर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अंडर वाटर व्हीकल्स, एयर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर, तो सेकेंड थर्ड आएगा, सेकेंड एंड थर्ड। द सोल्जर्स मॉम वॉज सो एक्साइटेड टू सी हर सन रिटर्न बैक सेफली आफ्टर द वॉर, रिटर्न बैक आ गया, तो फिर सेफली आफ्टर सन, सी हर सन सेफली आफ्टर द वॉर, तो रिटर्न बैक नहीं आता कभी भी। हाँ याद आ गया मुझे, ये वाला रूल याद है, रिटर्न और बैक एक साथ नहीं आता। लॉयड पीटर्स एडवाइज हिम टू आएगा, चेक एंड चेक द इंफॉर्मेशन बिफोर रिपोर्टिंग बैक टू देम और इनिशिएटिंग, वन ऑफ द कूल थिंग टू ईव्स ड्रॉप होता है ना शायद, इसमें बी की मैं गलती है, माइट बी एन अंडरसी वॉल्केनो कॉल्ड एन एक्सियल माउंट, ही इज इंटरेस्टेड इन द स्पिरिट ऑफ द प्ले एंड ही इज नॉट एवर्स टू थ्रो इन एन एक्रोनिज्म और टू इफ he thinks it will help underscore a point.
इन द स्पिरिट ऑफ द प्ले एंड ही इज़ नॉट अवर्स टू थ्रो. नेक्स्ट ये आता नहीं है. तो स्मोकिंग इज इंजीरियस. द फाइल्स केप्ट हियर. ओके तो ए डी इंजीरियस डीटिंग टू मैनी स्मोकिंग. तो चिल्ड्रन शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ईटिंग टू मैनी शुगर. तो बी डी का आ सकता है. तो बी डी हो गया. बी डी का ये भी है. तो सी ई का चेक कर लेते हैं एक बार. लुइस विटोन इज अ फेमस. द फाइल्स आर कैप्ट हियर तो नहीं आएगा. तो बी डी का यही आएगा. बी एफ सी ई देख लेते हैं. बी फ्रॉम वर एक्सपेक्टिंग नहीं. तो ए ई का नहीं है. ठीक है तो बी डी ही हो गया. 10 मिनट बचा है. ऑफलाइन स्टोर्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सस्टेन सिंस एवरीवन इज बाइंग थिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर. तो ए और डी तो बनेगा ही. तो ए डी बन गया. बी एफ चेक कर लेते हैं. आई वॉज स्टैंडिंग इन अ लाइन मे बी ही केप्ट इट ऑन अ टेबल. तो ए डी ही आएगा सिर्फ. ए डी ए डी हाँ ठीक है. नेक्स्ट अब करते हैं चेक थर्ड को. थर्ड आया नहीं था अपने को. ऐसा करते हैं इसको. हाँ एक सेकंड ये वाला भी अपने को आता नहीं था तो इसको क्लियर करना पड़ेगा मेरे को. 7 नेक्स्ट क्रमलिंग ट्रेजनर ये वाला हो गया. थ्राइव्स ये ठीक है. आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मोस्ट पीपल वॉन्ट टू बी लाइक्ड. इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. बिकॉज ऑफ दैट मोटिवेशन मैनी ऑफ अस हैव एन अनकॉन्शियस डिजायर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. वी प्रेफर टू गेट अलॉन्ग नॉट मेक वेव्स एज एंड एक्ट एज अ टीम प्लेयर. वी ऑल वॉन्ट टू बी नोन एज अ ग्रेट पर्सन टू वर्क विद. द ओनली प्रॉब्लम विद दिस माइंड सेट इज क्रिएटिव आइडियाज एंड बेटर वेज ऑफ गेटिंग थिंग्स गेट डन ऑफन स्टेम फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट. ऑर्गेनाइजेशन नीडेड टू एडवांस एंड इवन इन द डे टू डे वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल इनएविटेबल बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन आर फुल ऑफ ब्राइट एम्बिशियस पीपल विद टू डिफरेंट with different point of view, controversial ideas and desperate values. There is no way that we can get along everyone all the time. Okay, which of the following is true respect to conflict at the workplace? It's okay to disagree with ideas and strategies of each other clique, but still respect them and like them. To need to deal with conflict in what do we, one of the terrorist channels. While we most people realize they often miss that fact that not enough conflict can be just damaging when we अच्छा तो इसमें तो आ गया इसका आंसर. When we prefer to get along not make waves as an active we all want to be great people. The only problem with this mindset is the creative or better thing get done often stem from constructive conflict so needed to advance. Schedule time with your team to question norms and change the way things workplace conflict is inevitable because organization full of bright and तो third तो आ गई. तो third यहाँ पर है और third यहाँ पर है ना. All of the above. Okay third यहाँ पर है. third यहाँ पर है. second और first देखना पड़ेगा. Schedule time with your team to question norms. तो schedule का तो कुछ नहीं दे रखा कि time को schedule में. It is fundamental time most of the prefer not to make waves. We all want to be known as the great person to work with. The only problem with our mindset is to create better ideas to organize them. Need to advance and even workplace is inevitable. So only third to nahi aayega. Schedule time. It's okay to disagree with ideas, strategy of colleague, but still respect them and like them. It creates another poster of passive order to foster constructive conflict. Remind your team, our colleagues do know. So, personally, I'm not doing this in the explanation. We can disagree about ideas. Okay, we send. Oh, it's okay to disagree. Haan. First or third, aayega bhai. What is the author's motive before jotting down first paragraph? To stress on the fact that despite likability being one of the fundamental traits of it, we can never get along with everyone all the time. True. We can never allow. We want to be, but the problem is mindset is creative. We can never get along. Prefer to get along, not me.
टू एक्सप्लेन द नीड ऑफ हैविंग कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट द हाईलाइट द लाइकलेबिलिटी ऑफ अ वन फंडामेंटल टेनेंट्स टू हाईलाइट द लाइकलेबिलिटी टेनेंट्स तो थर्ड तो आएगा ही थर्ड आएगा तो फर्स्ट के साथ नहीं आ सकता सेकेंड टू एक्सप्लेन द नीड ऑफ हैविंग अ टू एक्सप्लेन द नीड इनएविटेबल सेकेंड एंड थर्ड ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज बींग अ लिटिल लेस नाइस इज नाइस थिंग इन ऑर्डर टू रादर लीव टू दुड अलाउ यू टू प्रॉवर्टी शेड्यूल टाइम मेक योर टीम क्वेश्चन नॉर्म्स रादर लिविंग इट टू द चांस शेड्यूल टाइम विद योर टीम टू मेक क्वेश्चन नॉर्म्स एंड चेंज द वे थिंग्स आर डन एक सेकेंड इसमें पाँचवा जो क्वेश्चन था टाइम विद योर टीम टू नॉर्म्स तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए फिर अगर ये बात है तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द ओवरऑल टोन अपोजिट इज साइंटिफिक क्रिटिकल क्रिटिकल मेरे हिसाब से मोस्ट पीपल सजेस्टिव है रादर देन लिविंग सजेस्टिव ही है ये एक सेकंड ये मैं सिक्स्थ वाले को मैं क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि मुझे इसमें अभी पक्का नहीं लग रहा और ये तो सजेस्टिव है अप्रोप्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द ऑफिस लाइकलीबिलिटी द फंडामेंटल टेनेट ऑफ ह्यूमन नहीं थर्ड तो नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट एंड द ऑफिस अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट तो फर्स्ट एंड सेकेंड आई थिंक हो सकता है लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड आ नहीं रहा कॉन्फ्लिक्ट एंड द ऑफिस तो एंड द ऑफिस नहीं होगा तो फर्स्ट आएगा ओनली फर्स्ट नहीं फर्स्ट भी नहीं आता फर्स्ट एंड थर्ड ओनली फर्स्ट आता तो मैं लगा देता स्टेम द ओनली प्रॉब्लम विद दिस माइंडसेट इज द क्रिएटिव आइडियाज एंड बेटर वेज ऑफ गेटिंग थिंग्स डन ऑफन स्टेम फ्रॉम स्टेम यानी कि अराइज फ्रॉम हो सकता है देयर ओरिजिन इमिनेंट और कम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड फोर्थ ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम टू एडमोनिशन Admonition that in the foster more constructive conflict and feedback remind your team and your colleagues about admonition that it's personal rebuke इसका मतलब ही नहीं पता तो नहीं बताएंगे अपन इसको इसका मुझे नहीं आता सेवन्थ का भी नहीं आता एट्थ नाइन्थ टेंथ एक सेकेंड प्रीवियस वाला हाँ ठीक है इलेवेंथ और ट्वेल्थ ओके स्लीपिंग वाला लेग टर्न्स ओके सो दो मिनट हो चुकी है नेक्स्ट सेक्शन पे चलें या फिर रुक के थोड़ी देर ऐसा करते चेक कर लेते हैं गेट थ्रू एट सिंस आई ओनली टू यूनाइटेड विद The class representatives united with each other to win the quiz college. Second हो गया second के अलावा first the partnered at each other नहीं हो सकता इसलिए second आ गया 22 This is so petty an issue to fight for. Don't give it much thought. मेरे हिसाब से इसमें नो करेक्शन आना चाहिए इसलिए मैं मार्क पर रिव्यू कर रहा हूँ अंडरवियर द सोल्जर्स वाला तो ठीक था ये भी मुझे ठीक है लगा अंडर माइट बी एन बी क्या लगाया था इसमें टू ई वेज ड्रॉप ऑन द माइट बी एन अंडर सी वॉल्केनो कॉल्ड एन एक्सेल ये सही था ही इज इंटरेस्टेड
इन द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड ही इज नॉट एवर्स टू थ्रो इफ ही थिंक्स इट विल हेल्प अंडरस्कोर अ पॉइंट. मुझे इसमें डी लग रहा है, लेकिन मैं इसमें फिर मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करूँगा. ये वाला तो ठीक ही है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 में मुझे डाउट है. अगर इसमें मेरे को लगाना होता तो सिंस आई हैड नेवर वर्क विद डेफ पीपल आई फाउंड इट रादर डिफिकल्ट टू गेट थ्रू अपॉन नहीं होगा तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड गेट थ्रू बाय देम नो करेक्शन रिक्वायर्ड एंड आई डोंट नो आई शुड मार्क इट और नॉट. इसलिए इसको भी रिव्यू कर देता हूँ. ये तो पता ही नहीं है तो इसको छोड़ के. वॉट इज़ ट्रू बींग अ लिटिल लेस नाइस लाइकलिविटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल. तो सेकेंड तो आ गई. तो सेकेंड ईयर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट लीड कॉन्स्ट्रक्ट. अरे यार ये तो दिखाई नहीं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहाँ गया. कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू क्रिएटिव सेकेंड एंड थर्ड. अरे यार सेकेंड एंड थर्ड. चलो क्वांट आ गया लेट्स डू. तो इंग्लिश में तो हमारे 22 हो चुके हैं. और अब करेंगे हम क्वांट्स का थोड़ा सा सांस ले लेते हैं. ओके कंटिन्यू. चलो ये अर्थमेटिक हटाओ. ये करते हैं 795/53 53 × 3 × 8 ठीक है. 753 3×9=26 × 5 15 × 45 × 8 8×5=40 8×32=36 360 + 3400 6×0=4373 और 3, 4, 5, 6 तो 4 आएगा. 0, 0, 4 आना चाहिए लास्ट में. तो जैसे 4 आ गया ना 0, 4 और ये बचा अपना 37, 7, 4, 304 तो नन ऑफ दीज. 53 × 15 15 × 45 4 15 × 45 15 × 5 7 95 15 × 45 तो 45 × 8 8×40 8×32=36 + 3400 3 × 7 = 0 − 3, 4, 5, 6 = x 4 0 304 हाँ तो नन ऑफ दीज ही आएगा. 36.5% ऑफ तो ये परसेंट हटा तो 2 0 गया. 3, 6, 5 × 30 6×36 37 43 45 9 5 14 8 6 7 8 3 2 5 5 84 5 5 2 2 5 8 5 2 4 8 4 145 5 184 5 4 9 4 12 8 6 45 5 184 5 4 9 4 12 8 6 9 का क्यूब हो गया. 36 + x/9 = 234 ×6 तो ये तो बढ़ा जाएगा 234 × 195 × 8/135 ×16 इससे ये क्या तो 2 2 से 1 17 हाँ. देखो 15 × 15 = 4 15 × 45 और 15 × 5 = 15 15 × 7 = 15 15 × 8 = 135 ठीक है. तो 9 × 9 = 2 9 = 27 13 = 169 − 36 9 6 3 = 139 9 9 = 900 9 6 9 = 137 9 11 = 97 23 × 12 12 × 2 = 36 36 × 3 12 × 6 = 26 27 246 24 4 8 6 14 16 9 10 10 6 14 1 4 4 4 6 4 10 10 6 11 1 12 1 4 2 6 7 7 13 + 28 = 12
12 का क्यूब होता है 1728, 5 एकम 5 और 4 9/5, 9/5 + 10 = 30, 31 बटे 10 प्लस 15 6 15 5 15 6 90, 92 92 / 15 बराबर x बटे 60। अब ये जाएगा 5 10 15, तो ये 15 से ही जाएगा, 3 3 9 27। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है ये गलत है, 5 10 15 है ना, 5 एकम 5 5 10 5 15 3 6 6 5 30 आएगा, 5 6 का 30, 9 6 54 आएगा, 54 + 3 3 3 9 15 2 9 30, तो 184 184 बराबर x बाई 60, तो ये 2 से कट जाएगा तो 2 इधर जाएगा, 4 3 7 7 4 11 हासिल 1, 19 19 और 20 20 28 28 और 5 33 3 3 1। फाइंड द गेन परसेंट व्हेन द शॉपकीपर यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 800 इंस्टेड ऑफ 1000 की जगह वो 800 करता है एंड सेल इट द गुड्स एट द लॉस्ट कॉस्ट प्राइस। मान लो एक का एक था लेकिन अब वो 200 रुपए का फ़ायदा उठाता है, लेकिन 200 रुपए का फ़ायदा उठाता है 1000 पे 1/20 20% का फ़ायदा हो गया उसे। अ पर्सन पिक्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 1000 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यार ये वाला मुझे थोड़ा सा कम आता है, मैंने एक्चुअली करेगा मैं ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन। सर्वे 1200 टू म्यूजिक गिटार एंड फ्लूट ईच ऑफ द कैंडिडेट गिटार और बोथ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये वेन डायग्राम है ना, हाँ वेन डायग्राम है ये, तो इसको थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। द पॉपुलेशन 6/6 18 19 20/3 20/3 0 0 1 1 1/15 यानी 15 से 16 हो जाती है हर बार। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ 9800 फाइंड द 2 years अगो, अगर ये 15 से 16 है और ये 15 से 16 है, अगर यहाँ से एक साल बाद और यहाँ से एक साल बाद 15 और ये 16, तो ये 16 16 होता है अपना 225 225 3 16 15 15 90 15 15 16 17 18 19 20 21 22 24 240 2 2 5 16 6 36 6 7 9 16 6 9 6 15 256 256। अब अगर प्रेजेंट एज है 9800 9800, तो अपने को निकालनी है 2 2 5 की, 16 × 16 8 1 8 16 2 8, छोड़ यार इसको बाद में करूँगा, मेरे से मेरा बड़ा कच्चा हाथ है यार अर्थमेटिक में। राम बाय शर्ट इन अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड सोल्ड इट 60% मोर देन द प्राइस ऑफ द शर्ट। चलो छोड़ो इसको, हाँ डीन एंड टैम पार्टनरशिप इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ टैम वॉज 2000 एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डीनो वॉज हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ टैम। डीनो एंड टैम, टैम का 2000 था एंड डीनो का हाफ ऑफ टैम यानी कि 1000 था। आफ्टर 6 मंथ डीनो एंड टैम रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट टू 500, आफ्टर 6 महीने बाद वो तो अपना 500 कर देते हैं और ये 1500 कर देता है। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 800 आफ्टर 1 ईयर हाउ मच प्रॉफिट डिड डीनो गेट, इंटू छः 15 6 90 90 15 6 90 0 0 2 6 12 12 9 21 हज़ार 6 5 6 6 30 3000 6000 9000 3 3 9 3 7 21 3 और 7, अगर 800 का है 800/10 यानी कि 8 240। एक सेकेंड, आफ्टर 1 ईयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ आफ्टर 1 ईयर हाउ मच प्रॉफिट डिड डीनो गेट, हाउ मच प्रॉफिट डिड डीनो गेट, अगर 800 का है रुपीज़ 800 आफ्टर 1 ईयर 3 3 9 3 7 21 3 7 10 80/800/10 8 3 24 240 नहीं होना चाहिए, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। आफ्टर 6 मंथ रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट टू 500, अच्छा इसने भी 500 कर दिया, इसने भी 500 कर दिया, 30 30 60 0 0 30
छुनी 12,000 5 6 3 तो 15 और 9 3 3 9 3 5 15 5 3 8 तो 300 नहीं हो गया उसका, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा था मैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट पेज, एवरेज वेट ऑफ टू डिलीवरी बॉयज अमर एंड अकबर, अमर एंड अकबर इज 62। इफ अमर इज रिप्लेस्ड बाय एंथनी, अमर इज रिप्लेस्ड बाय एंथनी द एवरेज वेट ऑफ डिलीवरी बॉयज गेट रिड्यूस बाय 8। इफ अकबर इज रिप्लेस, यार ये बहुत बड़ा है, हाँ ये सही है, ए बी सी डी ई एफ ओके। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर 6 स्कूल पार्टिसिपेट इन ब्लड डोनेशन ओके, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, हाँ तो 5 क्वेश्चन पक्के हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, 12 को मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई है 1 2 3 4 5 6 12 18 12 इंटू 18 12 इंटू 11 तो ये तो हो गया 132, 12 इंटू 18 18 दोनों 36 3 18 18 19 20 21 216 18 12 इंटू 17 17 इंटू 12 12 17 84 12 कम 12 204 12 इंटू 20 240 12 इंटू 15 180 15 दोनों 30 15 दोनों 30 15 कम 15 16 18 180 और ये कौन सा था एफ का है ग्रीन है ना 12 19 इंटू 12 बारह 19 2 38 3 19 21 22 2 2 8 40% and 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ ए एंड सी रिस्पेक्टिवली, तो 40 इसका और 60 इसका पार्टिसिपेटेड इन अ ब्लड डोनेशन प्रोग्राम, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ए एंड सी टुगेदर। ये 40 एंड 60, अच्छा तो 40 है 216 तो 40 इंटू 100 यानी 5/2 2 एकम 2 108 तो 540 एक में पढ़ते हैं 60 बराबर 204 है तो 60 इंटू 100 यानी कि 5/3 3 6 18 2 3 8 24 6 5 6 का 300 8 5 40 340 यानी कि 880। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम बी एंड एफ टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ बी एंड एफ टुगेदर, बी एंड एफ टुगेदर 200 300 28 230 30 और 30 60 बिटवीन द टोटल नंबर बी एंड एफ टुगेदर टू द तो 360 एंड टोटल नंबर स्टूडेंट डी एंड ई, डी एंड ई तो 240 340 340 और 80 8 4 12 हासिल 420 तो 40 इसमें से गया और 20 60। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम सी नॉट 17 204 17 17 एकम 17 3 17 34 12 इंटू 12 इंटू 12 बॉयज एंड गर्ल्स द नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम स्कूल सी वो पार्टिसिपेटेड इन बॉयज इज व्हाट परसेंट लेस, अच्छा 12 96 108 12 96 96 नंबर ई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ई तो 108 जो है ई से 180 से कितना परसेंट वो है तो इधर 5 इधर 9 8 में से 10 में से 8 गया तो 2 बचा 17 में से 17 तो 9 9 8 72 8 5 40 40% फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सी वो पार्टिसिपेट इन ब्लड डोनेशन तो जो सी है ग्रे है 17 तो 100% बराबर 360 तो सेंट्रल एंगल निकालना है ना तो 100 इधर आ जाएगा इंटू 17 निकालना है तो ऑब्वियसली 18/5 इंटू 17 तब आएगा एंगल 18/5 करना है 7 8 56 7 5 12 इंटू 1 से 18 6 8 2 10 ऐसे लिख 306/5 5 6 33 5 6 5 61 समथिंग आएगा। What is the average number of ACE blood donation? ACE 216 2 4 180 2 2 4 5 584 और 6 590 और 600 600/3 यानी 200
ए सी ए 600/3 करने तो 200 ही आएगा, 6 4 10 8 9 10 8 2 2 4 5 6/3 यानी 200। हाँ, इफ 1/4 और 35% बी और ई से, बी एंड ई से इधर 25 इधर 35, गॉट अ सर्टिफिकेट फाइंड द टर्म लाइन ऑफ बी एंड ई वु गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बी एंड ई। तो इस बी का 25 और ई का 35, तो बी का 25 निकालना पड़ेगा, तो 132/4 4 3 12 4 3 12 35/100 5 7 35 5 2 7/20 किसका, ई का 180 963 3 3 6 9 96। इफ रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, पेरीमीटर यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई और स्क्वायर का 2a यानी 4a सॉरी 5 और 3 है, 2 × 2 = 4 तो लंबाई प्लस चौड़ाई और ये a 5 और 3 का हो गया। एंड द रेशियो ऑफ ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर यानी a इज 9 और 8, तो ये 3 3 9 होना, 3 × 9 होगा, ये 3 × 15 होगा, 8 तो 7, तो अगर ये 8 है तो ये 7 होगा और ये 9 होगा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 132, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 132, 7 × 7 = 7 और द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 132 सेंटीमीटर है ना, छोड़ो बाद में करेंगे, 5 मिनट बची है, हो जाएगा इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द पार्क ऑन एनी डे इज गोज टू मेल एंड फीमेल, ओके मेल टोटल नंबर ऑफ पीपल इतने हैं और टोटल नंबर ऑफ मेल इतने हैं, फीमेल डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, टोटल यह 200 और 300 10 320 320 ये 260 260 70 280 360 10 20 30, तो ये 180। अब ये करना है मेल और ये फीमेल, नेक्स्ट ये थोड़ा क्लोज होता तो 100 120, तो 80 बचा, 10 20 220 220, तो 0 0 100 160 160 0 2 1, यह है 1 2 3 यानी कि 160 170 180 180, 16 में से 8 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1। अपना इसमें कितना है कि 100 110 120 120, तो यह बचा 60। एंड एवरेज ऑफ मेल वाटर पार्क ऑन मंडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे थर्सडे फ्राइडे 240, 0 8 4 12 3 4/3 3 3 3 3 3 140। फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल वाटर पार्क ऑन थर्सडे, फीमेल वाटर पार्क ऑन थर्सडे 180, टोटल नंबर ऑफ ऑन ट्यूसडे, टोटल ट्यूसडे 320, 9 16, ओके टाइम तो है, ये वाला बाद में करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटिंग वाटर पार्क, मेल विजिटिंग वाटर पार्क ऑन ट्यूसडे यानी कि 220 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन फीमेल विजिटिंग ऑन थर्सडे, फीमेल थर्सडे 120, तो 20 और 20 40, 40/180 × 100, तो 5/9 200/9 यानी कि 2/9, 1 सेकेंड, 9 = 9 9 × 18 तो 2 समथिंग आएगा, 18 × 9 = 18 22 समथिंग आएगा। द नंबर ऑफ मेल विजिटिंग ट्यूजडे इज व्हाट परसेंटेज नन ऑफ दिस, और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर मेल विजिटिंग और वाटर पार्क ऑल 5 डे टुगेदर एंड टोटल नंबर फीमेल्स ऑल 5 डे टुगेदर, ओके 200 300 400 500 600 600 700 700 800, तो 800 इसमें हो गया, 100 200 300 300 400
400 और 140, 540 यानी कि 60 में और 260। अब ये 31 वाला कर लेते हैं। इफ द टिकट पर प्राइस पर पर्सन फॉर वाटर बॉय मंडे एंड फ्राइडे 60-70, मंडे एंड फ्राइडे 60 एंड 70, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू सेलिंग बाय टिकट ऑन वाटर बॉय द बोट रेस। 6 × 12, 1, 2, 3, 7 × 8, 70, 8, 56, 6, 7, 5, 12, 1, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 6, 2, 4, 2, 4, 6, 0, 0। फाइंड द डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस बताने, सॉरी सॉरी यार मैं तो गलत ही का, 600 का आएगा ना। फाइंड द नंबर ऑफ मेल वाटर पार्क ट्यूसडे, ट्यूसडे का वाटर पार्क मेल 220, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन फीमेल थर्सडे, फीमेल थर्सडे यानी 180 तो 40 बटे 180 इंटू 100, इससे यह गया तो 400 बटे 18 यानी कि 200 बटे 9, तो 9 × 18, 2, 9 × 18 तो 22 समथिंग, तो 7 नेक्स्ट सही है ये। और ये एक सेकंड, कुछ रह रहा है क्या कोई क्वेश्चन ऐसा, जल्दी हो जाए। नहीं ये नहीं, हाँ बी इज 10 ईयर यंगर देन सी, एज ऑफ ए इज 3/4, एज ऑफ ए इज 3/4 टाइम। अरे यार रीजनिंग नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम नहीं हो पाया तो क्या ही कर सकते हैं। सबसे पहले मिसलेनियस करेंगे रीजनिंग में, बस ये गलत नहीं होनी चाहिए यार। स्पीड तो चलो बना ले, मैथ में स्पीड अभी भी खराब है।